नमस्कार, मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। सेना इलाके के चिगरा भट्टी में गौवंश मिलने के बाद हुए हिंसा में एक और आरोपी के घर पुलिस ने जाकर तोड़फोड़ की है। घर की स्थिति देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि यहाँ भूचाल आया हो। एसआईटी की टीम की जांच के मुताबिक जिले के सियाना कोतवाली क्षेत्र के चिगरा भट्टी में हुए हिंसा मामले में आरोपी जितेंद्र उर्फ जीतू के घर जब हमारी टीम पहुंची तो देखा कि घर का सभी सामान टूटा फूटा बिखरा पड़ा है। घर नहीं आया, झूठ नहीं बोली। तो उस टाइम वो लोग जब आए थे तब तक जीतू चला गया था। हाँ, जीतू चला गया। कहिया बेटा मैं यहाँ नहीं, मैं ही अपनी बहू के दौरे जो पिपाले केस हो गया, सुना होया अपने, मेरी बहू का भाई है, अकेला भाई है, ड्यूटी जा रहा है और वो जो है खत्म कर दिया। शाम को शनिवार को 10 तारीख की शनिवार को जा रहा है ड्यूटी, तो वो गायब कर दिया बदमाश होने रास्ते में सुई। हाँ, बुलेंसर ले गए, बुलेंसर से गाड़ी में लौटा कर लाए, गांव के पहाड़ों में मारा है और नहर में गिरा गया हुआ वो बहू के भाई को। मैं ही हाँ, उसके बाद में मुझे घर का कोई पता नहीं, ना लेना। बस जीतू और उनके भाई थे यहाँ पे और कोई नहीं? भाई तो अभी भी परेशानी में, वो तो अपनी ड्यूटी। यहाँ पे फिर कौन था? यहाँ जीतू की बहू और जीतू के पापा। जीतू अम्मा कितने दिन की छुट्टी आ गई? बेटा मुझे पता ना, मेरे आगे नहीं आया बिल्कुल भी। मैं 10 तारीख की गई हुई हूँ, आप गांव में करा कर सकते हो। का जीतू की गाड़ी तो यू है और जीतू का घर यह है, यह बताया हुआ है। फिर गाड़ी तोड़ी है। जीतू नौकरी करते हैं, कहाँ करते हैं? वो जो आर्मी की नौकरी करते हैं, कारगिल में है वो, कारगिल में। देखने चले गए थे, वहाँ गए थे और बेटा मैं बता दई तो मैं एक बात, बेटा मैं यहाँ पे ना ही और ना ही मेरे आगे आया है, ना ही मेरे आगे गया है। ये तो उसे पता होगी या भगवान को पता होगी, इस बात को मैं नहीं कह सकती। जब मैं यहाँ ही ना, और फिर दूसरा नंबर उन्होंने तोड़ फाड़ करी है खूब। पहले बुड्ढे में चांटे मारे हैं, बुड्ढे में चांटे मार कर फिर बहू का गेट खुलवाया है, सारी बाहर की तोड़ फाड़ करके बहू धधका के मारे अपनो चुप बैठी रही है खाट पे बैठे पे। फिर उसकी खेचा तानी करी है, चूड़ियाँ उसकी साफ ने देखी हैं, सब मोली पड़ी हैं, उसका पर्स भी निकलवाया हुआ, घर के लॉक भी तोड़े हैं। पड़ोसन ही उसका फोन ले गए और बहू का फोन ले गए, और बहू के जो है जो है उनके हाथ पड़ा कान नाक में, मैं यहाँ पे नहीं बाहर की हैं, वो बुला रही हैं बहू को भी मेरे से पहले पहले अस्पताल पहुँचा दिए। बहू के फ्रैक्चर आए हैं, कान पे के पर्दा पे जो चांटा लगा है, बाजू में 2 डंडे लगे हैं, 2-3 या एक ही हिस्सा है बहू का। बुलंदशहर से हमारे संवाददाता प्रदीप पंडित की खास रिपोर्ट।